राजधानी के चौमू कस्बे में लहूलुहान हालत में मिले एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक रामधन यादव चौमू के अहिरों की ढाणी का निवासी बताया गया था, जो शुक्रवार देर रात को मंगलम सिटी में था और इस दौरान स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग उसे उठाकर ले गए और बराला हॉस्पिटल के पास मारपीट कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं युवक ने SMS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके विरोध में मृतक के परिजनों ने चौमू पुलिस थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है।